अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको सैर कराते हैं गोराई बीच की। आज हम आए हैं गोराई बीच। गोराई बीच पे आओ, पेरू वगैरह ना खाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। सबसे पहला हम लोगों ने अटैक किया पेरू की दुकान पे, और वहाँ से भैया को बोले पेरू काटो, नमक मिर्च लगाओ, और मस्त में हमने इंजॉय करके सबसे पहला पेरू खाए। पेरू खाने के बाद में हमने सोचा चलो यहीं से समंदर की शुरुआत करते हैं। इतनी दूर पानी था, लेकिन फिर भी हम लोग चलते 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 पानी तक पहुँचे गए। पब्लिक कम थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे वक्त होता गया पब्लिक आते गई, और मौसम इतना प्यारा था, इतना प्यारा था कि बस ऐसे मौसम में बीच पे जाना हमारा सक्सेस रहा। हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। पानी आ गया, जब आप गीली ठंडी ठंडी रेत पे चलते हो तो एक अलग तरीके का सुकून मिलता है, और जब पानी की लहरें आकर आपके पैरों को टच करती है, ओह वो मज़ा ही अलग होता है। आप जब भी बीच पे जाओ तो इस तरीके का मोमेंट एक महसूस करके देख के इंजॉय करना कि आपको भी कितना प्यारा लगता है। अब सब अपनी अपनी मस्ती में, अपने अपने इंजॉयमेंट में थे, और हम लहरों को इंजॉय कर रहे थे, लहरों को महसूस कर रहे थे। इतना प्यारा लग रहा था मुझे यहाँ पर सुकून से खड़े रहना। लहरें आती, टच करती, रेत भी साथ में लाती, फिर वापस लौट जाती, फिर आती, फिर ये मोमेंट मुझे इतना प्यारा लगा कि बस पूछो मत। फिर वहाँ पर हॉर्स राइडिंग थी, इतने सारे बोट वाली थी, ये थी वो थी, पता नहीं सब थे, सब पे हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। यहाँ हमारी आलिया अपनी मस्ती में मगन पानी पे बैठती उठती, बैठती उठती, जैसी लहरें आती खड़ी हो जाती, जैसी लहरें जाती वापस बैठ जाती। बच्चों के साथ साथ बड़े भी इंजॉय कर रहे थे, खड़े भी इंजॉय किया। ए वेव्स आई, वेव्स आई। ये देखिए घोड़ा गाड़ी पे हम बैठ रहे, बहुत मजा आ रही है। बैक कैमरे से निकाल रहे हम लोग, टाइम मशीन से आ गए बैक सेंचुरी में। चाचा कैसा लग रहा है आपको घोड़ा गाड़ी में बैठ के? मजा आ गया एकदम। आजकल बिना घोड़े को मार के चला रहे हम लोग बाइक। इस घोड़ा गाड़ी पे हम लोगों ने पूरे बीच की राइड ली है, बहुत प्यारे प्यारे खूबसूरत से। ये देखो हमारे चाचा घोड़े के साथ फोटो लेते हुए, और ये इस पे हम लोगों ने अभी अभी एक एकदम मस्त राइड लेकर आई है पूरे बीच की। गोराई बीच बहुत खूबसूरत और साफ सुथरा है, आप लोग जरूर आइएगा, है ना चाचा? मजा आई एकदम, फुल मजा। आप लोगों को भी मजा आई? हाँ देखो वो आंख के इशारे से हाँ बोल रहे दोनों। सबने लाइफ जैकेट पहनना चालू कर लिए, अब हम करने जा रहे हैं बोटिंग, है ना चाचू? अभी काय में बैठेंगे अपुन? बोट में, बोट में, बोट में। जाइद रेडी? रेडी, ओके, ओके। मुझू रेडी हो गया भाई? ओके डन, हम लोग चलते हैं बोटिंग करने, और बोटिंग के साथ साथ आपको भी शामिल करते हैं। ये देखो बीच पे आए और ये गंदे छाले ना किए तो क्या किया। यहाँ पर ये दोनों भाई बहनों का यही चल रहा है, कीचड़ उठा रहे और ये ऐसा फेंक रहे, ये कीचड़ उठा रहे और ऐसा फेंक रहे लोग। जी देखे हमारा भाई ये भी गंदे छाले करते हुए। बीच पे आने के बाद सब बच्चे बन जाते हैं, देखे ये देखे सब सीधा चल रहे, ये लोग उल्टा चल रहे। आलिया को भी तैयार करते हुए, ए रुको आलिया पहले बांधने तो दो, बहुत मजा आने वाली है इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखिए हमारी बोट आ रही है, अब इसमें मजा आएगी, देखते हैं कैसा लगता है, क्या लगता है। आप लोग आइए तो बोटिंग भी कीजिए, बोटिंग में बहुत मजा आता है। यहाँ देखिए सब अपने टेंशन भूलकर मस्त इंजॉय करते हुए, बड़े बच्चे बूढ़े सब टेंशन छोड़कर मस्त माशाल्लाह से एंजॉय कर रहे। क्या बोलते जाइद, है ना?
इंशाल्लाह। ये देखिए हमारी बोट आ चुकी है, अभी सबके सब हमारी इस बोट में बैठने के शुरुआत हो चुकी है। ये देखिए कितना पानी है, ये देखिए कितना पानी, यहाँ पर हमारा पैर डूब चुका है। यहाँ इतनी दूर आके हमें बोट पकड़नी है, बोट आ रही है, वो जा रही है, उसने वापस आएगी तो बैठ। हाँ वो देखिए इतनी दूर तक लेके जाते हैं और फिर आएंगे, पता भी नहीं चल रही वो बोट इतनी दूर है, आ रही है गोल घूम के, गोल घूम के आ रही है वो बोट। यहाँ आने के बाद हर कोई टेंशन फ्री हो जाता है, मस्त इंजॉय करते लाइफ को और अपने स्पेशल मोमेंट्स को। बादल भी देखिए माशाल्लाह से आज कितने साफ है। देखिए माशाल्लाह से बोटिंग स्टार्ट हो चुकी है। ओहो अल्लाह वापिस से सही सलामत किनारे पे लेकर आ जाए। ये हमारे कैप्टन है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ओहो ये आराम आराम से लेना भाई, फास्ट नहीं करना। लहरों से टकराती हुई हमारी बोटिंग स्टार्ट हो गई, माशाल्लाह इतनी फास्ट चल रही है कि क्या बताओ आपको, बहुत मजा आ रहा है। ये देखो ये कौन सी राइड है, बनाना राइड, वो उधर है, ये आगे है, ये कौन सी राइड है, कौन सी वाइन शार्क। ये देखिए इतनी मजा आती है सारे के सारे एंजॉय करते हुए माशाल्लाह। ओहो क्या लहर आ रही है। ये देखो ये बोट लेके आ रहे, ये बोट के साथ ये बोट को कनेक्ट करेंगे और फिर हम लोग जाएंगे। देखे और हम लोग यहाँ पर डुलते डुलते देखो समुन्द्र से कितनी दूर आ चुके, मतलब किनारे से कितनी दूर आ चुके। ये देखो जंप करके स्विमिंग कर रहा है। अभी जाहिद तुम भी जंप करो। 1 2 3 बोटिंग से उतरने के बाद इन लोगों की मस्ती चालू, बोट वाले को रुका के इन लोगों ने इतनी सब धमाले की, एक के बाद एक जंप करते रहे। बोटिंग वाले को पहले लोगों ने बोल दिया अभी ये पानी है यहीं पर ही रुका देना, हम लोग आगे पैदल जाएंगे, और इन लोगों की ये मस्ती चालू है। आगे स्विमिंग कर रहे, यहाँ पर ये राइड में इतना डर लग रहा था अल्लाह अकबर सच में, मगर मौसम इतना प्यारा इतना खूबसूरत है मैं क्या बताऊँ आपको। इन लोगों को देखकर मेरी छोटी बहन को भी शौक है, उसने कहा मैं भी जम करूंगी, और जम कर नहीं रही थी, इसे जानबूझ के धक्का दे दिया गया और ये पानी जहाँ कम था वहीं पर इसने जंप लगा लिया। से माशाल्लाह से मौसम बहुत खूबसूरत था, इतना प्यारा लग रहा था, लौटने का दिल ही नहीं कर रहा था, मगर मजबूरी टाइम। बहुत टेस्टी है, झींगा मसाला है एक नंबर ना, और ये बीच पे खाने का मजा ही कुछ और है ना, और ये चावल की रोटी है नरम नरम। ये देखिए अभी सूरज डूबने वाला है, आप देख ही रहे हो कितनी शाम हो रही है, अंधेरा होते चला है। इसी के साथ साथ हम ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में या नेक्स्ट रेसिपी में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का, अपने साथ खुश रहिए अपने अपनों के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।